नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी दुखद खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के हिसार के 22 वर्षीय एयरफोर्स के जवान शिवकांत शर्मा की गंभीर बीमारी होने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने आशंका जाहिर की कि उनके बेटे शिवकांत शर्मा की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हुई है। नज़दीकी एयरफोर्स अधिकारियों द्वारा शुक्रवार शाम को राजकीय सम्मान के साथ शिवकांत शर्मा का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। 22 वर्षीय शिवकांत शर्मा जून 2020 को एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। फिलहाल उनकी ड्यूटी असम में थी। शिवकांत शर्मा की शादी नवंबर 2023 को हुई थी। शिवकांत शर्मा के पिता कृष्णा शर्मा ने बताया कि फिलहाल उनका बेटा एक महीने की छुट्टी पर घर आया था। 10 मार्च को उनकी छुट्टी पूरी हो गई थी। 7 मार्च को उनके बेटे की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्हें निजी अस्पताल में शिवकांत का उपचार कराया। शिवकांत की तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो पाया। कृष्णा शर्मा ने बताया कि 9 मार्च को शिवकांत ने ड्यूटी पर जाने की तैयारी की और अगले दिन शिवकांत घर से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद शिवकांत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद वह एयरपोर्ट पर गिर गया, जिसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसने अंतिम सांस ली। शिवकांत के यूं अचानक से चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ वीर बलिदानी का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।